नमस्कार। आज का हमारा विषय है अतीत और वर्तमान। ये एक आम समस्या है जो हमारे देश में 80-90% लोगों के साथ है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो वर्तमान में एक अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तरक्की कर लेते हैं और एक अच्छा दर्जा हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो अपने अतीत को, अतीत के लोगों को, अतीत की यादों को संजो कर रखते हैं, उनको अपने साथ जोड़े रखते हैं। उनको वो बातें, यादें जो है वो डराती नहीं उन लोगों को, वो घबराते नहीं उन यादों को, वो उस उन यादों को बात करके इंजॉय करते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ। बोले देखो क्या वक्त था, खाने का ठिकाना नहीं, रिश्तेदार बात तक नहीं करते थे, इतना तकलीफ का समय था हमारा। वो उन पीरियड के बात करके विचलित नहीं होते हैं वो लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हंस के भी अपनी जिंदगी नहीं गुजर जाती, गुजार पाते हैं कुछ लोग, और कुछ ऐसे होते हैं जो रो रो के भी अपनी जिंदगी को हंसते हंसते गुजार देते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो वर्तमान में अतीत को एंजॉय करते हैं, अतीत की बात वर्तमान को भी करते हैं, अतीत की बातों को भी उसका लुत्फ उठाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वर्तमान उनके अतीत को खा जाता है। उन्होंने जिंदगी में जिन चीजों की कल्पना नहीं की कि मेरे पास कभी ये होगा, मेरे पास वो होगा, इतनी चीजों की इम्पोर्टेंट गाड़ियां होंगी, मेरे पास इतने पैसे होंगे, आलीशान मकान होगा, कोठियां होगी, इतनी प्रॉपर्टी होगी, और वो उसको अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी ईमानदारी और ऊपर वाले की मेहरबानी, इन सब से उसे वो सारी चीजें हासिल हो जाती है। और उसके बाद जब उसे ये सब चीजें मिलती है तो वो बस यहां उसका बैलेंसिंग गड़बड़ा जाता है, यहां जाके वो गड़बड़ हो जाता है, फिर वो अतीत से पल्ला झाड़ता है, वो सब उसे इतिहास लगता है और वो सोचता है जो कुछ किया मैंने किया है, मैं इसका हकदार था, मैं इतना काबिल हूं। उस वक्त उसे यह भी ध्यान नहीं होता कि ऊपर वाले का भी कुछ हाथ आया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। उसके साथ नए नए लोग जुड़ते हैं, नए लोगों के साथ उसके रिश्ते बनते हैं और उसको लगता है वही सच है। अतीत के लोगों से तो डरने लग जाता है, अतीत के लोगों से मिलते हुए भी उसे घबराहट होती है कि अरे ये तो मेरे सब राजदार है, मेरे कई गलतियों के भी राजदार है और मेरे बचपने के भी राजदार है और मेरी गरीबी के भी राजदार है। तो वो उनसे पल्ला झाड़ता है और यहाँ वो जिंदगी के उस अनमोल खजाने से वंचित हो जाता है, जिसका उसे तो बहुत बाद में पता लगता है, तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। तो अतीत और वर्तमान का एक किस्सा मैं इसलिए कह रहा हूं, इससे कई लोग जूझ रहे हैं। मैं खुशकिस्मत हूं, हमारे माँ बाप ने ऐसी परवरिश की कि हमारा परिवार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं भी अपने आप को आवाम से जोड़कर ही देखता हूँ, आवाम का भी मैं हिस्सा हूँ। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरा ये वीडियो किसी को भी अच्छा लगे, मेरे दोस्त को जो मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, वो इसे शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो को देखकर कोई भटका हुआ इंसान जो इस रास्ते पे चल रहा है, जो वर्तमान में मिली शोहरत ने निगल लिया है, हो सकता है वो रास्ते पे आ जाए और उनके परिवार में एक खुशहाली का वातावरण एक बार फिर से बन जाए और वो जिंदगी को असल जिंदगी के हिसाब से जिए। बस यही मेरा कहना है। नमस्कार।